दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर लटकन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए मैंने लटकन बनाया है और ये लटकन कैसे बनाया वो अभी आपको बताती हूँ। तो देखिए उसके लिए मैंने ये लेस ली है और रेडीमेड डोरी ली है, आप चाहे तो कपड़े की बना सकते हैं। और ये मैंने एक ही कलर के दो पीस लिए हैं और एक छोटा पीस लिया है दूसरा कलर। अभी आपको इनका साइज बता देती हूँ। देखिए ये 5 इंच लंबाई और 5 इंच चौड़ाई चौकोर पीस हैं और ये दोनों पीस मैंने एक ही साइज के लिए हैं। और देखिए एक पीस है जो कि ये 2 इंच का है चौड़ाई लंबाई इसका भी। तो देखिए अभी हम इसके दोनों पीसों को इस तरह से सेट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से सेट करने के बाद और फिर से फोल्ड कर लेते हैं और इसकी अभी हम गुलाई कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से कर लिया है और इसको एक बार फिर से हम इस तरह से देख लेते हैं, अगर कहीं आगे पीछे तो उसको सेट कर दें। अब इन दोनों पीसों को हम अंदर की तरफ सीधा पार्ट रख लेते हैं और उल्टा पार्ट बाहर की तरफ रहेगा और इसकी अभी हम सिलाई कर देते हैं। तो देखिए मैंने 1 इंच के आसपास इसको खुला रखा है। तो देखिए जो हमने यहाँ पर खुला रखा है यहाँ से हम इसको पलट देते हैं। तो देखिए मैंने इसको पलट दिया है और इस साइड जो हमारा खुला है यहाँ पे हम सिलाई डाल देंगे और इसको अभी किनारे पे सिलाई न डाल के हम इसको आयरन कर लेते हैं जिससे ये सेट हो जाएगा। तो देखिए अभी जहाँ पे ये ओपन है यहाँ पे भी हम स्टिच डाल देते हैं। अभी हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं बीच में, क्योंकि डोरी डालनी है उसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा होल कर लेते हैं। तो ऐसे इस तरह से बराबर से फोल्ड करके और सेंटर पार्ट में छोटा सा कट देंगे जहाँ से हमारी ये डोरी निकल सके। तो देखिए ये डोरी है, अभी हम यहाँ पे इस डोरी को निकाल देते हैं। तो देखिए डोरी हमारी निकल चुकी है, अभी हम यहाँ पे सिलाई डालेंगे। उससे पहले अभी हम जो इसमें डिजाइन डालने वाले हैं इसको इसी तरह से रखते हैं और यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए जो हमने ये सेंटर में एक पॉइंट दिया है होल करने का, यहीं से हम इस तरह से मार्किंग करते हैं और एक हम इस साइड में मार्किंग करेंगे। अभी हमने ये 4 पॉइंट दे दिए हैं, अब इसके बीचों बीच एक पॉइंट दे देते हैं। इसके बाद फिर से यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं। अभी स्केल को हटा लेते हैं। अभी हम यहाँ पे जो एक लाइन हमने ये स्ट्रेट दी है इसके बीचों बीच, तो एक कोने से स्टार्ट करेंगे और इस कोने पे कंप्लीट कर देंगे सिलाई। अभी सिलाई डाल देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक सिलाई डाल दी है और फिर से इसी तरह से फोल्ड करेंगे और ये सिलाई दोनों आप बराबर से आमने सामने आ जाएं जैसे मार्किंग की है उसी तरह से। और फिर हम यहाँ से यहाँ तक डालते हैं एक सिलाई। तो देखिए हमने ये 4 सिलाई डाल दी है और फिर से हम अभी इस बॉक्स के अंदर जैसे मार्किंग की थी हमने यहाँ से और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डाल देंगे और फिर लास्ट ये बॉक्स बचेगा इसमें भी इसी तरह से डाल देंगे। और सेम यहाँ पर भी डाल देते हैं। ये
देखिए ये सिलाई मैंने डाल दी है, कंप्लीट हो गई है। अभी हम इसको इस तरह से सीधा कर देते हैं। तो देखिए ये इस तरह से आएगा। अभी यहाँ पे हमें एक कैप लगाते हैं, जो हमने ये कपड़ा कट किया है, तो इस कपड़े को भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर रखेंगे, जो हमने ये डोरी लगाई है डोरी के नीचे से, और यहाँ से लेके इस तरह से क्रॉस में स्टिच कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलाई डाल दी है और इसको पलट देते हैं। तो देखिए ये कैप भी हमारा तैयार हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे लेस लगाने वाली हूँ। लेस लिए हमने, तो यहाँ से हम इस तरह से राउंड में इसको स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये मैंने लटकन तैयार कर दिया है ये लेस लगा के। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा लटकन बनकर तैयार हो गया है। तो ये लटकन आप कुर्ती, ब्लाउज या लहंगे के लिए बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।